यदि इरादे नेक हो और हौसले बुलंद तो सफलता जरूर कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस। वर्ष 1994 में बेजोस ने एक गैराज से अमेज़न की शुरुआत की थी। तब वे पुरानी किताबों की ही बिक्री करते थे। इसके बाद जुलाई 1995 में इसकी वेबसाइट भी आ गई। अमेज़न की रिपोर्ट के अनुसार इसके करीब दो साल बाद 1997 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज्यादा देशों में 15 लाख से ज्यादा ग्राहक थे। जेफ ने सबसे पहले कंपनी का नाम अमेज़न नहीं सोचा था। वो आबरा का डाबरा नाम से इतने आकर्षित थे कि कंपनी का नाम काडाबरा रखना चाहते थे। हालांकि उनके वकील ने ऐसा करने से मना किया था। इसके बाद उनको रिलेंटलेस नाम पसंद आया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने इसका नाम अमेज़न रखा। साल 2005 में कंपनी ने अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत की थी, जिससे कंपनी को नई ऊंचाइयां मिली। बेजोस हमेशा से ही ग्राहक संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम करते आए हैं, जिसके लिए कंपनी ने कई प्रयोग भी किए हैं। फोर्ब्स के अनुसार 1999 में बिल गेट्स की कुल संपत्ति जहां 3.65 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं बेजोस उस समय 43,000 करोड़ रुपए के मालिक थे। उनकी संपत्ति में काफी उतार चढ़ाव आया है। साल 2015 तक बिल गेट्स की नेटवर्थ बेजोस से ज्यादा थी। 2015 में गेट्स की नेटवर्थ 5.05 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि बेजोस की नेटवर्थ इससे करीब आधी यानी 2.24 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन 2018 से बेजोस की संपत्ति ज्यादा रही है। 2018, 2019 और 2020 में बिल गेट्स की नेटवर्थ क्रमशः 6.12 लाख करोड़ रुपए, 6.79 लाख करोड़ रुपए और 8.58 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं इस दौरान बेजोस की नेटवर्थ क्रमशः 7.61 लाख करोड़ रुपए, 9.17 लाख करोड़ रुपए और 15.17 लाख करोड़ रुपए थी। बेजोस के पास अमेज़न के 7.50 करोड़ से ज्यादा शेयर्स हैं, यानी उनके पास अमेज़न में 15.1% शेयर्स हैं। 2019 में उन्हें $81,840 करीब 60 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिले थे। इसके अलावा उन्हें $16 लाख यानी करीब 11.50 करोड़ रुपए कंपनसेशन भी मिला था। साल 2026 तक बेजोस की संपत्ति बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी $1,000 अरब हो जाएगी। कंपैरिजन की यह रिपोर्ट फोर्ब्स टॉप -25 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मोस्ट वैल्यूड कंपनीज के आधार पर तैयार की गई है। सलाहकार फर्म ने शेयर बाजार में इन कंपनियों और व्यक्तियों की पिछले 5 साल की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कॉमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।